अपनी टीम्स ना बगुला का होते थे, अंपायर्स आर ऑल सेट, स्कोरर सेट, काउंट इज ऑन, सगळ्यांनी काउंट करायचंय, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, अडीच, 2, 1, रेडी। सर रिक्वेस्ट, नहीं नहीं ए कैच ऊपर उठी थी गेंद, छूट गए हाथ से, पहली गेंद पे कैच छूटा है, देखना है कि क्या फायदा उठाते हैं। अच्छा शॉट था, कैच हो सकता था वहां पर, अगर चूक गए वहां पे खिलाड़ी, गेंद उनके पीछे गिर गई और 4 रन, चौका जड़ा, पहला स्कोरिंग शो करता हुआ बल्ले से डॉक्टर स्नेहल जोशी, डॉक्टर स्नेहल जोशी, बहुत ही अच्छा उम्दा शॉट, कैच लेने की कोशिश की लेकिन कैच हो नहीं पाया और सीधे 4 रन मिल गए नहरे टीम को। फुल टॉस और ये क्या जो लगता था, घर पर लगी है जो और गेंद थी 6 रनों के लिए, एक चौका एक छक्का लगातार आ चुका है, तीनों कैचेस थे अगर हो सकते थे तो, मगर चूक गए यहाँ पे ढाई रन लेवल और तीनों कैच की बदौलत, छूटने की बदौलत 2 स्कोरिंग स्ट्रोक चौके और छक्के के रूप में। वाइड का इशारा इस बीच अंपायर द्वारा, स्कोरर रिक्वेस्टेड, अंपायर रिक्वेस्टेड टू अपडेट एज अर्ली एज पॉसिबल स्कोर प्लीज, क्रिक हीरोज क्रिक की रन पे स्कोर अपडेट किया जाए प्लीज। अच्छी गेंद, गेंद आके टकराई पैरों से, मारने की कोशिश की थी वहां पे मगर चूक गए बल्लेबाज। ओ अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद, पूरी तरीके से चूक गए वहां पे बल्लेबाज, भाग्यशाली रहे कि बैन गेंद बैट के लगने के बाद अपने पैरों से आके टकराए वरना ये नजदीकी मामला हो सकता था। अच्छी गेंद, डॉट गेंद, बहुत ही अच्छा ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है, बारह रन, एक ओवर की समाप्ति के बाद शायद 12 रन है, अभी तक अपडेट आना है इसलिए कमेंटेटर्स की जानकारी नहीं है। दूसरी छोर से 410 से अब आ रहे हैं दूसरे गेंदबाज डायरी 11 के लिए, बैट्समैन है वृषाली पवार, बैट्समैन वृषाली पवार, लगातार चौका मिला टीम, अच्छा शॉट खेल रहे हैं हालांकि वहां पे डॉक्टर वृषाली जोशी, स्नेहल जोशी, खूबसूरत शॉट, गेंद चीरती हुई चली गई स्कोर लेवर मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से ये चौका, लगातार दूसरे गेंद पे ये चौका जड़ा है डॉक्टर, स्कोर प्लीज क्रिक बीच। पीएसआरडी के इतिहास में पहली बार हमने देखा कि फटाकों की आतिशबाजी पे दोनों टीमों की एंट्री हुई है फाइनल में, पूरा श्रेय पीएसआरडीए की टीम और उनके कप्तान डॉक्टर आशाहरी पाटिल को जाता है। खूबसूरत फुल टॉस का पूरा फायदा उठा, गेम को भेज दिया उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए,
बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं नरे इलेवन। फुल टॉस गेंदों का पूरा फायदा उठाते हुए वहां पे नरे इलेवन। विकास मिसाल कह रहे हैं नो बडी इज रिक्वेस्टेड टू बी ऑन द ग्राउंड। बहुत ही धुआंधार बैटिंग डॉक्टर जोशी की बैट से। फिर क्लासिकल शॉट, बेहतरीन शॉट, बेहतरीन शॉट। पिवट की तरह अपने आप को रख किया, दोनों पैरों का इस्तेमाल किया, अपने आप को घुमा दिया और गेंद को भेज दिया उन्होंने स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में से नहीं ऊपर से छह रनों के लिए पूरा फायदा उठाते हुए फुल टॉस गेंदबाजी का अभी तक देखे गए हैं नरे इलेवन के खिलाड़ी। खूबसूरत स्क्वायर कट, अच्छी फील्डिंग है वहां पे डीप पॉइंट क्षेत्र में। एक रन के लिए दौड़ पड़े बल्लेबाज, दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं, थोड़ी सी मिस फील्डिंग आ गई और ये दो रन पूरे कर दिए उन्होंने। अच्छा फील्डिंग की थी, हालांकि उन्होंने इसको स्ट्रोक में बहुत पावर था, पूरी तरीके से अड़ाया था, मगर गेंद को अपने हाथों में संभालने में चूक हुई और उसका पूरा फायदा उठाया वहां पे नरे इलेवन ने। अभी तक इस ओवर में 23 रन आए इस ओवर में, दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है। सर एक मिनट क्रिकेट इंडिया स्कोर अपडेट करता है इनका। सर अजून झाला नहीं है सर, पहिल्या ओवरचे 12 आहेत का सर? पहिल्या ओवरला 12 असतील तर 34 रन झाल्या, 34 रन दोन ओवर। ओके सर, ओके थँक यू सर। ओ पहली फेस गेंद पूरी तरीके से खेला उन्होंने, अच्छी तरीके से गेंद को खेल दिया उन्होंने स्टेल के ऊपर से वापस एक बार 6 रनों के लिए डॉक्टर वृषाली पवार ने बेहतरीन ओपनिंग साझेदारी यहां पे दिखाई दे रही है। पावर प्ले, पावर स्ट्रोक बहुत अच्छा। चालीस रन पूरे हो चुके हैं। गेंद की तब्दीली, इतना जोर जोर से मारे है कि गेंद फूट गई है। फुटी गेंद के साथ बॉलिंग कर रहे थे, अभी तक ऑब्जेक्शन आया है, हम पैर थोड़ा ओवर रूल करते हुए और गेंद की जांच करके खिलाड़ियों को दिया जाए। खूबसूरत शॉट, गेंद जा रही है मिड विकेट क्षेत्र में, बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पे। इकतालीस रन तीसरे ओवर में, अच्छी गेंद गेंद को खेल दिया कवर पॉइंट कवर क्षेत्र में, अच्छी तरीके से रोका गेंद को, किक कर दिया है, देखना है रोक पाते हैं, बाउंड्री के बाहर रोका है, शायद चौका आ सकता है यहाँ पे, बाउंड्री लाइन के बाहर रोका गया था खिलाड़ी ने। खिलाड़ी ज्यादा अच्छी तरीके से बता सकते हैं, हम लोग बाहर से कुछ नहीं बताएंगे। बॉल
खूबसूरत शॉट देखते ही बना, फुल टॉस लगातार फुल टॉस गेंदे डाल रहे हैं, अतिरिक्त पावर लगाने की कोशिश में चूक रहे हैं वहां पे खिलाड़ी और पूरा फायदा उठाते हुए फुल टॉस को पावर गेम खेल रहे हैं वहां पे नरेल 11 के खिलाड़ी, गेम को भेज दिया उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए, बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन। अच्छा शॉट, गेंद आ रही है मिड विकेट की तरफ, एक रन का इजाफा, अच्छी नपीतुली गेंदबाजी अब करने लग गए हैं डॉक्टर आशावरी पाटिल मैडम। ओ स्लोअर गेंद, अच्छी तरीके से चकमा दे गए इस बार डॉक्टर आशावरी पाटिल मैडम और चूक गए वहां पे बल्लेबाज, जल्दी खेल गए स्ट्रोक को, फायदा उठा नहीं पाए इस शॉर्ट गेम का। ओवर की समाप्ति आती हुई एक तीसरा ओवर समाप्त हो चुका है 52, तीन ओवर की समाप्ति के बाद 52, देखिए कितनी धुआंधार बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पे, फुल टॉस का पूरा फायदा उठाया है, अतिरिक्त पेस के लिए जा रहे हैं उसका पूरा फायदा उठाते हुए मेरे 11 के दोनों बल्लेबाज। पन्नास धावा पूर्ण, ये कैच वापस ऊपर से खेला हुआ, ये स्ट्रोक था, चूक गए वहां पे खिलाड़ी, एक रन का इजाफा, थ्रो आया जब तक नजदीकी मामला हो सकता था मगर वहां पे पहुंच चुके अपने क्रीज में, बेहतरीन बैटिंग और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों का यहाँ पे अच्छा नुमाइश करते हुए यहाँ पे दोनों बल्लेबाज नरे 11 के। वाइड का इशारा इस बीच अंपायर का आ सकता है, वाइड गेंद, थोड़ी सी हिचकिचाहट दिखाई दे रही है दायरे 11 में। ओ गोइंग गोइंग एंड गॉन, खूबसूरत शॉट देखते ही बना, जैसे कि लेग साइड में गेंद देखी, अपने आप की आंखें चौड़ी की, गेंद को खेला अच्छी टाइमिंग के साथ उन्होंने, सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए, धुआंधार ऐसी बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ओपनिंग बल्लेबाज नरे 11 के लिए, अतिरिक्त पेस के लिए जा रहे हैं धैर्य 11 पूरा फायदा उठाते हुए नरे 11। ओ फील्ड कर सकते थे जी जान से अगर चाहते तो, मगर चूक गए वहां पे खिलाड़ी, गेंद गई 4 रन बाउंड लाइन के बाहर, बॉलर को खिलाड़ियों की तरफ से मदद मिलनी चाहिए, ऊपर से खेल रहे हैं कैचेस जा रहे हैं मगर कैचेस हो नहीं रहे। ओ नो बॉल का इशारा इस बीच अंपायर का, आके टकराई उनके शरीर से, भाग्यशाली रहे और ये फ्री हिट का एक और मौका, क्षमा मांगते हुए वहां पे दायरे 11 के कप्तान जो कि बहुत ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का नजारा है, फ्री हिट का एक चांस, बहुत ही अच्छी गेंद, फ्री हिट पे डॉट गेंद, क्या बात है, ये अपिश टो एंड से लगी बैट के, एक रन के लिए दौड़ पड़े बल्लेबाज, एक ही रन मिलेगा शायद, ओ थ्रो आता हुआ लगा उनको आके मगर टीम के लिए वो बरकरार ग्राउंड पे, बेहतरीन कप्तानी कर रहे हैं वहां पे डॉक्टर स्वाति मिसार। पहली गेंद डॉट गेंद बहुत टाइम के बाद दिखाई दी यहां पे,
ओवर की समाप्ति, चार ओवर की समाप्ति के बाद, चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है, स्कोर आ रहा है चलते चलते यहां पे धुआंधार, चलते चलते धुआंधार, चलते चलते धुआंधार। अब टीम पानी का समय है शायद, यहां पे क्रीज में अपने टीम को प्रोत्साहित करते हुए सभी खिलाड़ी। दहाईरी इलेवन फाइनल खेळत होत्या, पण जस्ट त्यांची बॉलिंग जी आहे ती फुलटॉस बॉल जास्त गेले, त्याचा पूर्ण फायदा उत्कृष्ट असे बॅटिंगने घेतला त्या नरे इलेवनच्या खेळाडूंनी। चार ओवर, एक सरांना माईक दे, सांगा सांगा। चार ओव्हर मध्ये 65 रन झालाय नरे टीमच्या। हो क्या बात क्या बात, 18 के 17 के ऊपर की न्यूनतम औसत से खेल रहे हैं अभी, 17 रन पर ओवर की न्यूनतम औसत बरकरार रखते हुए नरे इलेवन, चार ओवर में 65 रन, ये स्कोर देखते ही बनता है बिना कोई विकेट खोए। अच्छा कैच हो सकता था अगर लपक लेते थे तो, मगर चूक गए यहाँ पे खिलाड़ी, मगर उतनी खराब पीछे बैकिंग आई और चौका भी मिल गया। ओ तेज गेम इस बार, मगर वाइड का इशारा अंपायर का। कट कर दिया इस बार गेंद थर्ड मैन की दिशा में, एक रन के लिए दौड़ पड़े बल्लेबाज। अरे चौका, बेहतरीन शॉट, कट शॉट, बेहतरीन। जैसे कि देखा कि तेज गेंद आई है ऑफ स्टंप के बाहर, अपने आप को पोजीशन किया, गेंद को कट कर दिया थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए। बेहतरीन शॉट, कोई खिलाड़ी नहीं है वहां पे जो कवर कर सकता है इस शॉट को। इंटेलिजेंट बैटिंग चल रही है वहां पे नरे इलेवन टीम के द्वारा। ओ खूबसूरत खूबसूरत शॉट, फुल टॉस गेंद, कमर के ऊपर थी या नहीं शायद, चौका लेजिटिमेट बॉल करार दिया है अंपायर ने, और ये चौका बेहतरीन शॉट। जितने भी ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग शॉट्स आए वो फुल टॉस गेंद पे आए हैं। बदौलत बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन यहाँ पे नरे इलेवन टीम द्वारा। 78 खूबसूरत शॉट दिस टाइम ऑल अलोंग द कार्पेट, अच्छी फील्डिंग आई वहां पे इस बार, और एक ही रन पे रोक दिया, बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन। वापस ओवर है 6 रन के लिए, फुल टॉस, फुल टॉस, पूरा फायदा उठाते हुए लगातार फुल टॉस गेंदों में विकेट पीछे से डाली है, अगर आपकी तेज गेंद जा रही है तो फुल टॉस गेंदों का पूरा फायदा उठा रहे हैं यहां पे नरे इलेवन। ओ प्लेस कर दिया इस बार इस शॉट को, बेहतरीन इंटेलिजेंट बैटिंग, बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन हो रहा है यहां पे नरे इलेवन द्वारा, पूरी तरीके से छाए हुए ओपनिंग जोड़ी इस मैदान में। 89 रन नरे टीम, 5 ओवर 89 रन, क्या बात,
पांच ओवर 89 रन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या 150 का टप्पा गाड़ सकती है नरे 11 पहली बार, जो पुरुषों को शक्य नहीं हुआ वो अशक्य को शक्य कर सकती है। दोषी 67 25 बॉल मध्ये। अच्छी फील्डिंग आ सकती है वहां पे, एक रन आउट गया चुके वहां पे खिलाड़ी, अगर अच्छी कॉलिंग बेहतरीन रनिंग। सर वही से अपडेट कीजिए स्कोर, चार चार रन, चार रन 94 स्कोर हुआ है अभी नरे 11 का, रन के लिए 6 रन बाकी है सिर्फ विदाउट एनी विकेट। कितना ओवर हुआ है सर? वृषाली पवार 8 रन बॉल में 22 रन, बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन बेहतरीन। सिक्स्थ ओवर इन प्रोग्रेस, 94 द स्कोर। वाइड बॉल का इशारा, बेहतरीन नजर बिठा चुके हैं बल्लेबाज, छोड़ दिया ही बाहर जाती हुई गेंद को बिना कोई। मिडल ऑफ द बैट आया ये स्ट्रोक, बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन, मिडल ऑफ द बैट गेंद चीरती हुई गई स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में से 4 रनों के लिए। स्कोर इज 99 स्कोर हुआ है। थोड़ा इकड़े आ सर, सर थोड़ा इकड़े आ, 99 का बोल ले 99 हमको 100 अप देखिए 100 अप 6 ओवर। एकशे तीन धावा, अरे अच्छी फील्डिंग आई वहां पे, एक रन के लिए बहुत बड़े बैलेंस, बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन, अच्छा स्ट्रोक था, हालांकि ज्यादा पावर नहीं इस बार जड़ा पाए बल्लेबाज, मगर अच्छी फील्डिंग वहां पे। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 104 रन। स्फोटक अशी फलंदाजी इकडे आपल्याला पाहायला मिळाली, त्या स्फोटकांवर 104 रन, स्फोटकाचा उपयोग हा नरे 11 ने सर्वात चांगला केलेला आहे। शेवटच्या 2 ओव्हर 6 ओव्हर 104 रन, 6 ओव्हर 104 धावा झालेल्या आहेत। वाइड बॉल, नो बॉल चा इशारा अंपायर चा, क्रीज च्या बाहेर चेंडू पडला त्यामुळे नो बॉल दिला आणि फ्रीट, उघडा डोळे बघा नीट आली आता फ्री हिट। ओ डॉट बॉल, फ्रीचा बॉल डॉट बॉल, क्या बात, अच्छी गेंदबाजी इस बार, वापस एक बार वाइड का इशारा अंपायर का, अच्छी नपी दिलीप बॉलिंग डाल रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर डाल रहे हैं। फुल टॉस गेम, पूरा फायदा उठा, गेम को भेज दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। 112 स्कोर हुआ है, 7th ओवर इज इन प्रोग्रेस, 112। मला आश्चर्य वाटलं बारूरकर सर माझ्या बाजूला बसले, एका शब्दाने पण काही म्हणजे इमोशन्स त्यांनी इकडे, ओ नो बॉलचा इशारा,
सर काय टिप्स इतना कमेंटेटर अलेक्झांडर सर सगळा राग तुमच्यावर निघू शकतो लक्षात ठेवा जेवढे फुलटास येतात इकडे तुम्हाला सगळे उद्यापासून फुलटास आहेत हो बेहतरीन बहुत ही खूबसूरत पूरी तरीके से गैप में से निकाल दिया फोर है सर फोर फोर है चाल है एकशे सतरा रन सर्वांना विनंती आहे चहा घ्यावा मला दे ना अरे थँक्यू सर आला आला आसावरी मॅडम कडनंही अपेक्षा नसताना त्या गोष्टी घडतात हेच क्रिकेटचं दुर्भाग्य आहे वृषाली पवार 18 बॉल 45 रन 18 बॉल मध्ये 45 रन पवार सर थोडे या बाजूला येऊन बोला 26 बॉल 68 रन अच्छी फील्डिंग इस बार डॉक्टर आसावरी पाटिल जी द्वारा थैंक यू सात ओवर 122 रन लास्ट ओवर टू गो सात ओवर 122 रन सात ओवर 122 झाला काय 150 चा पल्ला गाठतात का 150 च्या आठ गुंडाळतात त्यांना म्हणजे 150 च्या आठ रोखतात सॉरी गुंडाळतात काय 150 च्या आठ रोखतात हीच फक्त उत्सुकता 28 झाला पाहिजे शेवटच्या सहा चेंडूवर काय ते करू शकतात का वृषाली पवार यांना 5 रन पाहिजेत 50 करण्यासाठी आणि पीएसआरडीएच्या इतिहासात पहिली सेंचुरी पार्टनरशिप इकडे बघण्यात आलेली आहे अच्छी गेंदबाजी डॉट बॉल लगातार दो डॉट बॉल इतिहास लिख रहे आखिरी ओवर में खूबसूरत शॉट देखते ही बनाए शॉट ओ अच्छी कवरिंग आई वहां पे आसावरी मैडम को रोक लिया उन्होंने एक रन के लिए लास्ट बॉल टू गो अच्छी ओवर डाली है ये आखिरी ओवर 127 रन झालेले आहेत खूबसूरत शॉट बेहतरीन शॉट अच्छी फील्डिंग आई वहां पे डॉक्टर आसावरी पाटिल मैडम द्वारा ये शॉट का चांस सर नहीं रन आउट हो रहे वापस भाग सकते हैं खिलाड़ी भाग रहे हैं खिलाड़ी चौका मिल रहा है शायद वहां पे और थ्रो का 6 रन आए इस आखिरी गेंद पे 6 रन कितनी स्कोर आखिरी गेंद पे 6 रन आप आपल्या बायकांना सांभाळायची जबाबदारी तुमची कॉमेंट्री करायची जबाबदारी आमची 132 रन टोटल 132 सगळा राग तुमच्यावर आहे आठवड्याभर घरी सांभाळून राहा 132 नॉट आउट नरे टीम 132 आणि सर्वात आश्चर्याची गोष्ट महिलांच्या टूर्नामेंट मध्ये तर जाऊ द्या या नमो चषक मध्ये पुरुषांना मागे टाकत नरे इलेव्हननी 8 ओव्हर मध्ये सर्वाधिक स्कोर उभा केलेला आहे
33 स्कोर 134 टू विन आणि बिनबाद बॉल पाहिजे मॅडम हा बॉल द्या इकडे टाका थँक्यू मॅडम बॉल आला एक नंबर सर टेबल खाली इथे इथे वर ठेव बळा अरे क्या बात है मला जरा बॅटिंग बॅटिंग अपडेट्स द्या सर स्नेहल जोशी 27 बॉल मध्ये 74 धावा 4-7 चौके 5 छक्के क्या बात है स्कोरिंग रेट स्कोरिंग हे किती आहे माहिती का 274.07 विशाली पवार 51-24 बॉल 7 चौके 3 छक्के स्कोरिंग रेट किती आहे माहिती आहे का 212.50 अगो बाबू इतिहास घडवलाय नरे 11 ने आज इतिहास आपल्याकडे फिल्डिंग लावून घ्यायचे नरे टीम पटकन फिल्डिंग लावून घ्या फिल्डिंग लावून घ्यायचे लगेच डायरी टीम दोन बॅट्समन पाठवा ओपनिंग बॅट्समन पाठवून द्या अख्ख्या पीएसआरडीच्या इतिहासामध्ये ही सर्वात मोठी पार्टनरशिप झाली सुशांत सर यस डेफिनेटली सर सगळ्यात मोठी पार्टनरशिप फिमेलने केलेली आहे मेलला पण मागे टाकत खूप छान पार्टनरशिप आणि विदाउट विकेट न देता एकही सुंदर खूप सुंदर 133 इज अ डेफिनेटली नॉन डिफेंडेबल स्कोर आय थिंक सो म्हणूनच म्हणतात पीएसआरडी नारी सबसे भारी एकच मिनिट सर दोन मिनिट ओपनिंग बॅट्समन कमिंग फॉर धुआधार बघूया युजली फायनल्स या लो स्कोरिंग असतात पण आता आपण इतिहास घडलेला बघतोय पहिल्या इनिंगला दुसऱ्या इनिंगला पण इतिहास घडू शकतोय करू शकतात ते डायरी इलेव्हनचे सगळे धुआधार बल्लेबाज या ग्राउंडवरचा सगळ्यात हायेस्ट स्कोर क्या बात आहे सर आणि टुर्नामेंट मधला सगळ्यात हायेस्ट स्कोर नरे फिमेल टीमचा आता सेकंड इनिंग मध्ये बघूया दाहिरी टीम कशी खेळतीये पच्ची फेरी जाई बगर वहां पे एक रन के लिए दौड़ पड़े थे खिलाड़ी 17 रनों की न्यूनतम औसत चाहिए क्रिकेट में कोई भी टारगेट अनडिफेंडेबल नहीं हो सकता पहली गेंद पे एक रन जड़ा चुके हैं बल्लेबाज बेहतरीन खूबसूरत शॉट गेंद को खेल दिया उन्होंने डिग गया रेड पे चौका जा चुके चौका आ चुका है शायद नई फील्डिंग के बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन चौके का सिग्नल आता हुआ वहां पे अंपायर का चौका 5 रन 2 बॉल में 17 की न्यूनतम औसत चाहिए क्या कर पा सकते हैं धारी लोन चौका ओ क्या बात उसी तरीके से खेल रही है अपने आप को पूरी तरीके से छा रही है
फ्रिक्वेन्सी झाली का बेहतरीन। तीन तीन गेंदों में 9 रन आ चुके हैं, 17 की न्यूनतम औसत से खेलना होगा। बेहतरीन कैच लिया वहां पे, वापस एक बार स्वीप करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, चूक गए, ऊपरी हिस्सा लगा बैट का, ऊपरी किनारा लेकर गेंद हवा में चली गई थी, आगे गिर रही थी, मगर उतनी तेजी के साथ आगे आए कीपर और उन्होंने इस गेंद को लपक लिया। बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन, अच्छी गेंदबाजी हो रही है नरे 11 द्वारा। Hello check. खूबसूरत शॉट। ओ सर आवाज हेलो। खूबसूरत शॉट देखते बना, बहुत ही 13 ओवर 5 बॉल 13 धावा 1 विकेट, बहुत ही रोमांचकारी है फाइनल होता हुआ। बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, अच्छी कवरिंग आई वहां पे स्क्वायर लेग क्षेत्र में, कैच हालांकि छूटा था। आमचा आवाज बंद करण्यात आलाय, थैंक यू सर। हेलो चेक। एक पॉइंट 2 ओवर 23 धावा। खूबसूरत शॉट, बेहतरीन शॉट। डॉक्टर मयूरी बैरागी यांचा खूबसूरत शॉट स्क्वेअर लेगच्या वरनं 6 धावा। दोन ओवर 30 रना 1 विकेट।
एक विकेट गमवून धायरीच्या 30 रन झालेले आहेत। बघूया आता तिसरी ओवर घेऊन कॅप्टन आलेत नरेचे। हॅलो शॉट आणि हा कॅच सोडलेला आहे 4 रन। हॅलो 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 आणि हजा नरे हॅलो। अरे तू स्कोर बघितला नाही असू, नऱ्याचा किती झालाय? ओके हॅलो हॅलो हा नाही माझ्याकडे आहे अपडेट आहे। गुड शॉट बैरागी मॅडम ने मारलेला हा शॉट 1 रनासाठी। पाहूया दुसरी रन होते का, नाही समाधान। हॅलो गुड बॉल गुड बॉल डॉट बॉल गेलेला आहे। हलता ठेवण्याची आवश्यकता आहे धायरी टीमला, धायरी टीमला धाव फलक हलता ठेवण्याची आवश्यकता आहे आणि मोठे मोठे शॉटची गरज आहे। डॉट बॉल प्रेशर वाढवणारा 4 आणि 6 ची गरज आहे। परत डॉट बॉल अशी उत्कृष्ट बॉलिंग धायरी टीम साठी महागात ठरू शकते। पाहूया चौथा बॉल पाचवा बॉल घेऊन आलेत कॅप्टन। परत डॉट बॉल पाचवा ही डॉट बॉल धावांचा कट आणि हा कॅच होतो का पाहूया, नाही सिंगल रन। शेवटच्या बॉलवरही सिंगलवर समाधान मानावं लागते आणि ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धायरीचा स्कोअर आहे 36 फॉर 1 लॉस आफ्टर 3 ओव्हर्स। परत डॉट बॉल चौथ्या ओव्हरचा हा पहिला डॉट बॉल। दुसरा पण डॉट बॉल, डॉट बॉल प्रेशर वाढवत नेणारा आहे धायरीसाठी। धायरीला चौके आणि छक्के गरजेचे आहेत आता सध्या। आता एकच सांगू आमचीच बायको आहे ती। हॅलो हा फायनल मॅच साठी खडकवासला मेल संघ आणि धायरी मेल संघ टॉस साठी स्टेज कडे यायचा आहे। शॉट शॉट खूप सोरा स्ट्रोक आणि हा अडवलेला आहे सिंगल रनासाठी। बेहतरीन शॉट आणि हा 4 अशा तऱ्हेने बऱ्याच वेळानंतर एक 4 आलेला आहे धायरीसाठी। अशा चौकार षटकारांची गरज आहे धायरीला जर मॅच जिंकायची असेल तर। 41 रनावर पोहोचलेली आहे धायरी टीम आफ्टर 3.4 ओव्हर्स। शॉट बेहतरीन फिल्डिंग, बेहतरीन कॅप्टन तर्फे बेहतरीन फिल्डिंग का नजारा आणि हा नो बॉल दिलेला फ्री हिट।
बालेराव सर टॉस साठी यायचा इकडे, किरण बालेराव आणि गारुडकर सर आहे तिथे, गारुडकर सरांच्या हस्ते टॉस घेतोय आता आपण मेल संघाचा। कडक वसला मेल, धायरी मेल, आनंद पाटील सर गारुडकर सरांच्या तर्फे आपण शॉट टॉस घेतोय। नाही नाही सर, टॉस करायचा ना, गुड फील्डिंग, सिंगल 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 रन रन्सनी आणि हा कॅच होतो का पाहूया, परत सिंगल रन, सिंगल रन्सनी धायरी टीम अशी जिंकू शकत नाही, जिंकण्यासाठी षटकार चौकारांची अत्यंत नितांत गरज आहे धायरी टीमला। वेल फील्डिंग अगेन अगेन, धायरी आणि खडक वासल्याच्या फायनल मॅच साठी टॉस साठी आलेले आहेत, गारुडकर सर टॉस घेत आहेत। कोण जिंकले टॉस, धायरीने टॉस जिंकून बॅटिंग घेतलेली आहे, धायरी मेल टीम टॉस जिंकलेले आहेत। शॉट, वेल फील्डिंग, डायरी पांच ओवर च्या समाप्तीनंतर 52 रन झालेले आहेत। पांच ओवर च्या समाप्तीनंतर धायरीचा स्कोर आहे 52 रन विथ लॉस ऑफ वन विकेट, 18 बॉल मध्ये 82 रनांची गरज आहे, 18 बॉल 82 रन, धायरीला जर जिंकायचं असेल तर 18 बॉल 82 रन, षटकार चौकारांची बरसात करायला लागणार आहे धायरी टीमला। आणि हा खूप सुरत शॉट मारलेला आहे आणि कॅच पकडलेला आहे कॅप्टननी, नरेच्या कॅप्टननी बैरागी मॅडमचा कॅच पकडलेला आहे, अशा तऱ्हेने दुसरी विकेट गेलेली आहे धायरीची।
विकेट द्यायचे आणि जे आपण सत्कार करणारे पाणीवाला साऊंडवाला क्रिकेट ग्राउंड त्यांना तिथे फुलत बघा डॉक्टर असावरी पाटील आणि डॉक्टर वैशाली वरुटे बॅटिंग करत आहेत आपल्या हरहुंदरी प्रेसिडेंट अष्टपैलू खेळाडू डॉक्टर असावरी पाटील आणि डॉक्टर वैशाली वरुटे मुकाबला करत आहेत डॉक्टर धनश्री रणदिवेंचा खूबसूरत बॉलिंग च प्रदर्शन डॉक्टर धनश्री रणदिवे खूप साऱ्या धावांची गरज आहे डायरी टीमला थोडं कमबॅक करणं गरजेचं आहे डॉक्टर स्वप्न आठवले प्लास्टिक सर्जन आमच्या सर्वांच्या फ्रेंड्स असं सीमेपलीकडे बॉल गेलेला आहे डॉक्टर असावरी पाटील सिक्स दिलेला आहे अंपायरनी अशा भव्य शॉटची गरज आहे धायरी टीमला खूप सुंदर शॉट पण सिंगल रन मोठ्या मोठ्या शॉटची गरज आहे डॉक्टर असावरी पाटील सेट बॅट्समन आहेत आता त्यांच्याकडनं खूप मोठ्या खेळीची अपेक्षा आहे टीमला थर्ड अंपायर कुठे आहे वेअर इज द थर्ड अंपायर प्लीज डॉक्टर पूनम सूर्यवंशी पत्नीची ओव्हर बघायची सोडून डॉक्टर सुशांत सूर्यवंशी इकडे तिकडे फिरत आहेत देत नव्हते काय मॅच नंतर
सिंगल रन फॉर धायरी टीम काय झालं अशा प्रकारे नरे नरे टीम जिंकलेली आहे आणि धायरी टीम उपविजेती झालेली आहे. दोन्ही टीमचं मनपूर्वक अभिनंदन. नरे टीमचा वारसा आहे, वर्षानुवर्ष नरे टीम जिंकत आलेली आहे. त्यांचा रेकॉर्ड अजून कोणी नरे टीमचा ब्रेक करू शकलेलं नाहीये. एकदाच फक्त अननगरनं ब्रेक केला होता, अदरवाईज सलग त्यांचीच त्यांचे विजय होत आहेत. हा कुठे गेला सुशांत? Simplify your tenant search with nobroker.com. Okay.